हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नजर वीडियो। तो आज आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो में जो हम फिर से रिव्यू करने वाले हैं, हम GHM का हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक बाइक है, तो इसका रिव्यू करेंगे। L सीरीज जो है ये मॉडल का नाम है। यहाँ पे भी जो ब्रांडिंग दी हुई है देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो है GHM की ब्रांडिंग है। तो पहले मैं स्पेसिफिकेशन में फिर से एक बार मैं बता देता हूँ राइड ऑन करने से पहले। वैसे मैंने इस पे एक फुल ऑन वीडियो बना रखे इसके रिव्यू के ऊपर, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पर मैं आपको मोटा मोटा फिर से बता देता हूँ। इसके अंदर जो हमें मोटर देखने को मिल जाती है GHM की ही मोटर है, हमें 250 वोल्ट की जो हमें मोटर देखने को मिल जाती है 36 वोल्ट की। और जो हमें इसके अंदर जो बैटरी देखने को मिल जाती है, तो इसके अंदर भी हमें 7.8 एम्पेयर की जो बैटरी देखने को मिल जाती है ये वाले साइकिल के अंदर। तो यहाँ पे हमें जो है थ्रोटल दिया हुआ है रेस का, यहाँ से ये ऐसे हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये बैटरी इंडिकेट करता है। तो ये भी वैसे फुल हमने चार्ज कर लिया था चलाने से पहले। तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो ये अप टू 35 किलोमीटर जो है कंपनी इसका क्लेम करती है। वो जो 35 किलोमीटर क्लेम करती है वो पैडल असिस्ट के साथ करती है फर्स्ट मोड पे। अगर आप थ्रोटल के साथ चलाते हैं तो आपको अप टू 30 किलोमीटर तक जो है इसकी साइकिल की रेंज देखने को मिल जाएगी। ये 27.5 इंच जो है हमारा व्हील साइज है इसका। अगर इसकी मैं चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो ये लगभग हमें 3 से 4 घंटे जो है फुल चार्ज होने में लग जाते हैं। अगर मैं बैटरी की वारंटी की बात करूँ तो लगभग 2.5 साल की कंपनी जो बैटरी की वारंटी देती है, और जो है 1 साल की बाकी पार्ट्स की जो है कंपनी बैटरी की जो है बाकी पार्ट्स की 1 साल की वारंटी देती है। तो ऑलमोस्ट सभी जो है अदर कंपनी से ज़्यादा जो है बैटरी की कंपनी जो है वारंटी दे रही है, तो ये एक अच्छी बात है। चलो मैं इसको आपको जो है राइड करके दिखाता हूँ साइकिल कैसे चलता है और क्या इसकी स्पीड वगैरह। तो चलिए यहाँ से मैंने ऑन कर दिया है तो इसका जो है राइड करके देखते हैं। पहले जो है हम अपना असिस्ट मोड से चलाएंगे, पैडलिंग असिस्ट से। तो मैं बैठ चुका हूँ, तो देखिए मैंने ये फर्स्ट मोड में पैडल असिस्ट का। तो यहाँ से मैंने जो है पैडल को हल्का सा जो पैडल को मूव किया तो ये देखिए अपने आप जो साइकिल चल रहा है। मैंने यहाँ से कोई रेस नहीं दिया है, ये पैडल असिस्ट जो है काम कर रहा है आसानी से। अब मैं थर्ड मोड में कर दिया पैडल असिस्ट के, देखिए अपने आप जो है साइकिल ने स्पीड पकड़ ली है। हल्का हल्का मैं पैडल मार रहा हूँ, देखिए साइकिल कितनी स्पीड पे चल रहा है। तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो फर्स्ट मोड में जो कंपनी क्लेम करती है अप टू 35 किलोमीटर, और सेकंड जो है उसमें अप टू 30 किलोमीटर, और थर्ड में जो है थर्ड मोड में ये 25 किलोमीटर तक जो है इसकी रेंज आती है। अगर हम थ्रोटल यूज करते हैं तो थ्रोटल में भी हमें जो है रेंज इसकी देखने को मिल जाती है अप टू 35 किलोमीटर की, और जो इसकी थ्रोटल से मैक्स स्पीड आती है 25 किलोमीटर की। अभी मैं चला रहा हूँ थ्रोटल के साथ चला रहा हूँ, देखिए स्पीड जो है काफी बढ़िया दे रहा है हमारा साइकिल। चलाने में ऐसे लग रहा है कि जैसे हम बिल्कुल एक्टिवा से ही राइड कर रहे हैं। और अगर मैं सीट के कंफर्ट की बात करूँ तो सीट का कंफर्ट भी हमारा जो है काफी बढ़िया है। साइकिल जो है राइड करने का मजा ही अलग है, मुझे तो काफी मजा आया साइकिल चला के। अगर आप भी अपना ये वाला साइकिल परचेज करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। और मैं साथ में एक कूपन कोड भी मेंशन कर दूंगा जिससे आपको 1000 रुपीज तक जो है डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। अगर मैं साथ में असेंबली का और जो है अनबॉक्सिंग का वीडियो भी मैं साथ में डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।